हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हमको इसमें 8% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। एक बड़ी बाइंग हमको लास्ट ट्रेडिंग डे में देखने के लिए मिली है, एक बड़ा जंप देखने के लिए मिला है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक 1560 के लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है, और 1560 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया, जहाँ से स्टॉक रिजेक्शन ले रहा था उसको ब्रेकआउट कर सकता है, ऐसा हमारा डिस्कशन हुआ था। और 1560 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो फिर हमने 1600 तक के टारगेट को इसमें डिस्कस किया था आने वाले दिनों में। और हम देख सकते हैं स्टॉक जो है 1600 के लेवल को ब्रेकआउट करके 1618 का हमको हाई दिखा चुका है, 1618 का हाई दिखा चुका है। वहाँ से हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिला, छोटा मोटा सेलिंग देखने के लिए मिला है, लेकिन स्टॉक ने अपने हाई के आसपास ही हमको क्लोजिंग दिखाई है, 1620 के आसपास। यहाँ से हमको आने वाले वीक में और बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। आईटी सेक्टर में हमको रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, काफ़ी अच्छे रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ से हमको इन्फोसिस में भी और बड़े टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। हम बात करते हैं पहले सपोर्ट लेवल की। तो इमीडिएट सपोर्ट बनने वाला है 1600 का लेवल, जिसको हमने इससे पहले टारगेट के तौर पर डिस्कस किया था। इसका रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम करने वाला है। और इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो तगड़े सपोर्ट का काम करने वाला है 1580 का लेवल, जहाँ से हमको इससे पहले दो दफ़ा सेलिंग देखने के लिए मिली थी। इसी को ब्रेकआउट करके स्टॉक ने हमको 1620 तक के टारगेट दिखाए हैं, अब ये तगड़े सपोर्ट का काम करने वाला है। अब बात करते हैं हम टारगेट की। तो आने वाले दिनों में हमको नेक्स्ट टारगेट 1620 के ब्रेकआउट के बाद टारगेट देखने के लिए मिलेगा 1640 का लेवल, और 1640 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो वैसे कंडीशन में हमको 1660 से लेके 1680 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर हम 4 से 6 महीना होल्ड करते हैं तो वैसे कंडीशन में हमको आने 4 से 6 महीने में अगले आने वाले हमको इसमें 1800 से लेके 1900 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।